बंदा समझता है, मैं सूदी कारोबार कर रहा हूं लेकिन इसके बावजूद भी मेरा कारोबार तो चल रहा है मैं सूदी कारोबार कर रहा हूं लोग तो मेरी इज्जत कर रहे हैं मस्जिद की कमेटी का मैं सदर भी हूं मैं मज़ीन शहर में शामिल भी हूं लोग मुझे जलसों में मेहमान खसूस भी बुलाते हैं मैं एम पी ए भी मंतख हो गया हूं मुझे वजारत का कलमदान भी सौंप दिया गया है वो तो मियाँ अल्लाह की नज़र में इन चीज़ों की अहमियत ही नहीं है ये चीज़ें होती क्या हैं वो ये नहीं छीनता वो हिदायत छीनता है वो रोटी नहीं छीनता वो तो नमरूद को भी रोटी देता था उसने कभी सूरज को मना नहीं किया कि इसके घर में रोशनी ना कर ये हामान का घर है ये कारून का घर है ये मेरे दुश्मनों का घर है इसके घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए चांद को कहता है अपनी किरणें बखेर सूरज को कहता है अपनी रोशनी बखेर जिस तरह बाजीद के घर में रोशनी होती है उस मक्कार के घर में भी ऐसी रोशनी होती है फ़र्क नहीं पड़ता तो वो कदम नवाजियां तो नहीं रुकती लेकिन अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है तो उससे हिदायत की तोफ़ी सलब कर लेता है तो ऐलान जंग होता है तो फिर वो टकरे भी मार रहा हो तो उसकी रस्म की नमाज़ होती है उसका माथा झुक रहा होता है दिल नहीं झुक रहा होता क्योंकि हिदायत सलब कर ली गई जब अंदर से रूह ही निकाल ली जाए तो बाक़ी बचता क्या है तो ये बात जहन में रखिएगा कि अल्ला तला जल्ला शाहू ने हमें जिन कामों से रोका है जिन कामों से मना किया है उन कामों के करने में हमें कभी भी भलाई और ख़ैर नहीं मिल सकती ये हम जब अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें अगर अल्लाह पर हमारा यकीन और यकीनन उस पर हमारा ईमान है तो फिर वो अमर जो अल्लाह की तरफ से जिनसे रोक दिया गया तो हम कभी भी उनके करीब तक न जाए और जिन कामों के करने का उसे हुक्म दिया गया उसकी हिकमतें ना भी हमें मालूम हो आज जदीद साइंस तहकीकात करती है तो हमारे सामने आता है कि वज़ू के क्या फ़वाद हैं आज हमें लोग बताते हैं कि जनाब आप इमामा मामा बांधेंगे तो सन से से बच जाएंगे आज दुनिया तहक़ीक और जस्तजू करके नमाज और दौरानी खून और जो है वो नमाज की बरकतें और कितनी बीमारियों से नमाज के जरिए से बचने की कहानियाँ सुनाते हैं अच्छी बात है नमाज से सेहत पे असर पड़ता है ये अच्छी बात है कि वज़ू से बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है ये अच्छी बात है कि सर पे इमामा बांध ले तो सन स्ट्रोक से बच जाते हैं ये अच्छी बात है कि आप रोज़ा रखते हैं तो कैंसर जैसे अमराज से आपका बचाव होता है ये अच्छी बात है कि फला अमल करते हैं तो फला होता है लेकिन साहिब हम सन स्ट्रोक से बचने के लिए इमामा नहीं बांधते हम मोहम्मद अरबी की अदा के लिए बांधते हैं दौरान खून के लिए नमाज नहीं पढ़ते हम रब के हुजूर सजदा रेजी के लिए उसके हुजूर अपनी न्याज मंदियों का सर झुकाते हैं तो हिकमतें भी हैं वो बरकतें जैल में आती हैं तो ये बात जहन में रखिएगा कि हिकमतें मालूम ना भी